पूरे विश्व में क्रिसमस का त्योहार लोग अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। प्रयागराज में भी कैंड्रल सहित शहर के तमाम गिरजाघरों में यीशु आगमन पर उल्लास उमड़ा। इस दौरान यहां शहरों के गिरजाघरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से आकर्षक तरीके से सजाया गया। वहीं प्रभु यीशु के जन्म उत्सव के अवसर पर मिडनाइट सर्विस में गिरजाघरों में कैरल गीतों के बाद विशेष आराधना सभाएं भी हुई। इस बीच कई गिरजाघरों के बाहर मेले जैसा माहौल रहा। यीशु जन्म के उपलक्ष्य में आधी रात से पहले शुरू हुआ उत्सव का सिलसिला सर्द हवाओं और घने कोहरे के बाद भी आधी रात के बाद तक जारी रहा। गिरजाघरों में आयोजित विशेष प्रार्थना सभाओं में मानवता के लिए यीशु के त्याग और बलिदान की चर्चा के साथ उनके शांति, सद्भाव, प्रेम, आपसी भाईचारे के संदेश को बांटा गया और प्रभु यीशु से पूरी दुनिया में अमन चैन के लिए प्रार्थना की गई। कि हम सदा सर्वदा अपने प्रभु कृष्ण के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जब इन्होंने शरीर धारण किया तो हमारे साथ तेरी महिमा की नई ज्योति चमकने लगी। उनको देखने के लिए हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उमड़ पड़ते हैं, जहां कहीं भी वो जाते हैं। हर बुधवार के दिन वो लोगों से मिलते हैं सेंट पीटर्स बसिलिका के प्रांगण में। मना रहे हैं ये पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में जीसस क्राइस्ट की बर्थडे क्रिसमस के रूप में, जिसे हर समाज, हर धर्म के लोग मनाते हैं। और ये त्यौहार एक मैसेज भेजता है हर एक इंसान में, हर एक जैसे नई आशा की किरण ज़रूरी होती है हर समाज में, वैसे ही आज एक क्रिसमस ये मैसेज देता है कि हर अंधेरे के बाद एक सुबह होती है, और वो अंधेरा कभी अंधेरा नहीं होता, वो अंधेरा एक रोशनी की पुकार होती है। तो उसी के साथ हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं। किस दिन मनाया जाता है ये? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। रात में 12 बजे चर्च सर्विस होती है और उसी में मैसेज मिलता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ टू बी एंजल ऑफ गॉड्स। और ऐसे ही हम लोग मनाते हैं और सबको खुशियाँ मनाते हैं, जैसे सबके घरों में बच्चे पैदा होते हैं, आज एक भगवान का जन्म हुआ, उसी खुशी में हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम सर्वेश्वरी प्रसाद है। किस दिन मनाया जाता है? आज क्या क्या मनाया गया आज के दिन यहाँ पर, किस जगह पे हो रहा है, क्या नाम है आपका? इसको शांतिमय रहने के लिए या देश को शांत या शांति के साथ रहने के लिए, भाईचारे के साथ, न्याय के साथ, प्रेम के साथ एक दूसरे को रहने के लिए मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोगों को इंसान बनाकर ईश्वर ने यहाँ पर भेजा है ताकि हम उनकी सेवा करें, एक दूसरे की सेवा करें। यही हम लोगों का मूल संदेश और यही मूल हम लोगों का जीवन भी होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं फिर एक बार पूरे लोगों को क्रिसमस की बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं फादर रिजनाल्ड डिसोजा हूँ, नाजरत अस्पताल प्रयागराज के निर्देशक। भाईचारे के साथ ही शांति संभव है। इस पावन अवसर के मुबारकबाद फिर से आप सभी को।
देता हूँ। हमारे देश में भाईचारा रहे, शांति रहे और ईश्वर हमारे देश को आशीर्वाद दे। क्या संदेश देना चाहते हैं आज के इन प्रमुख दिन के? क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन लोगों के लिए? संदेश यह है, सब लोगों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। ईश्वर का जन्म इंसान के रूप में हुआ, इसका मतलब सबके अंदर ईश्वर की छवि है और सब इंसान को आदर मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वरीयता है और वही मैं समझता हूँ। अगर सब एक दूसरे को आदर देंगे, सम्मान देंगे, प्रेम देंगे, तो मैं समझता हूँ कोई हिंसा नहीं हो सकता देश में। सब प्रेम से रहेंगे, एक अच्छा माहौल बना रहेगा। फादर, आज क्रिसमस के मौके पर ये देखा जा रहा है कि सभी धर्म और जाति के लोग क्रिसमस पर आज एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं और इसमें शरीक हो रहे हैं। जी, ये क्रिसमस एक यूनिवर्सल फीस्ट है और ईश्वर इसका जो मूल्य है, मतलब कोई व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं है, इसका मूल्य शाश्वत मूल्य है और ये मूल्य सभी धर्मों में पाया जाता है, जैसे प्रेम है, शांति है, सेवा है,